राधे राधे। बोलिए भक्त और भगवान की जय। आज मैं आपको एक ऐसे ही अनोखे भक्त की कथा सुनाने जा रही हूँ, तो थोड़ा ध्यान से सुनिए। एक बार क्या हुआ, एक सेठ था और उनके पास एक व्यक्ति आया जो कि काम करने के लिए कुछ काम चाहता था कि मुझे कुछ काम मिल जाए। सेठ ने उस व्यक्ति पर विश्वास किया और उसको काम पे रख लिया। वो व्यक्ति भी बहुत ही ईमानदार था। वो व्यक्ति भगवान का बहुत बड़ा भक्त था। बड़ा भक्त हम किसे कहेंगे? बड़े भक्त से हमारा तात्पर्य है कि सच्चा भक्त, जो कि भगवान से, सिर्फ भगवान के अलावा किसी सांसारिक वस्तु की कामना ना करे। तो वो बहुत एक सच्चा भक्त था भगवान का, और सदा भगवान के चिंतन, भजन, कीर्तन, स्मरण, सत्संग आदि करता रहता था। एक दिन उस भक्त ने श्री जो सेठ था उससे कहा कि सेठ जी, मैं जगन्नाथ यात्रा करना चाहता हूँ, जगन्नाथ धाम की यात्रा पे मैं जाना चाहता हूँ, इसीलिए मुझे कुछ दिनों की छुट्टी दे दीजिए। तो सेठ ने उसे छुट्टी देते हुए कहा, भाई मैं तो संसारी आदमी हूँ और हमेशा काम में व्यस्त रहता हूँ, तुम ऐसा करना, तुम तो जा ही रहे हो, ये मेरे 100 रुपये ले जाओ और इन्हें मेरी तरफ से श्री जगन्नाथ प्रभु के चरणों में समर्पित कर देना। उस भक्त ने सेठ से 100 रुपये लिए और श्री जगन्नाथ धाम की यात्रा पर निकल गया। कई दिन की पैदल यात्रा करने के बाद वह श्री जगन्नाथपुरी मंदिर पहुंचा। मंदिर की ओर प्रस्थान करते समय उसने रास्ते में देखा कि वहां पर बहुत सारे संत, भक्तजन, वैष्णवजन प्रभु का नाम संकीर्तन कर रहे थे और सभी की आंखों में बड़े अश्रु धारा बह रही थी। अब हम यहाँ पे सोचेंगे कि अश्रु धारा क्यों बहती है। तो प्रिय भक्तों, अश्रु धारा जब हम किसी से प्रेम करते हैं तभी तो बहती है। हम चाहे इस संसार की बात करें, चाहे परमार्थ की बात करें, उदाहरण के रूप में हम अपने बच्चों को लेके, अपने पति या पत्नी, किसी भी संबंध, भाई बहन, कोई भी संबंध हो, जब हमारा उनसे प्रेम होता है और उनसे हमारा, जब हम उनको याद करते हैं तो निश्चय ही हमारे आंसू निकल आते हैं, वो प्रेम के आंसू होते हैं। उसी प्रकार जब किसी भक्त के आंसू निकलते हैं तो वो भी प्रेमवश ही निकलते हैं, बिना प्रेम के तो आंसू नहीं निकल सकते। तो वो सब जो भक्त और वैष्णवजन थे वो हरि नाम संकीर्तन कर रहे थे और उनके आंखों से अश्रुधारा बह रही थी और वो जोर जोर से हरि बोल कह रहे थे। संकीर्तन में बहुत आनंद बरस रहा था। भक्त भी नहीं रुक कर हरि नाम संकीर्तन का आनंद ले रहे थे। फिर उसने देखा कि संकीर्तन करने वाले भक्तजन इतनी देर से संकीर्तन करने के कारण उनके होठ सूख चुके थे और वह दिखने में कुछ भूखे से भी प्रतीत हो रहे थे। उसने सोचा, क्यों न सेठ ने जो 100 रुपये दिए हैं इन भक्तों को उससे भोजन ही करवा दूं। उसने उन सभी भक्तों को उस 100 रुपये में से भोजन की व्यवस्था कर दी। सबको भोजन कराने के बाद उसे भोजन व्यवस्था में कुल 98 रुपये खर्च करने पड़े। उसके बाद 2 रुपये बच गए। उसने सोचा, चलो अच्छा हुआ 2 रुपये तो बचे, अब मैं ऐसा करता हूँ कि मैं इन 2 रुपये को भगवान श्री जगन्नाथ जी के चरण में समर्पित कर दूंगा और जब सेठ पूछेगा कि पैसे चढ़ा दिए थे तो मैं कह दूंगा कि हाँ चढ़ा दिए थे, क्योंकि सेठ ये तो नहीं कहेगा कि 100 रुपये चढ़ाए थे कि नहीं, तो मैं बोल दूंगा कि पैसे चढ़ा दिए, ये झूठ भी नहीं होगा और काम भी हो जाएगा। वह भक्त श्री जगन्नाथ जी के दर्शनों के लिए मंदिर में प्रवेश किया तो श्री जगन्नाथ जी की छवि को निहारते हुए अपने हृदय में उनको विराजमान कराया। अंत में उसने सेठ के 2 रुपये श्री जगन्नाथ जी के चरणों में चढ़ा दिए और बोला कि हे प्रभु, ये पैसे सेठ जी ने भेजे हैं। उसी रात सेठ जी के स्वप्न में श्री जगन्नाथ जी आए। उन्होंने कहा कि हे सेठ, तुम्हारे 98 रुपये मुझे मिल गए हैं, और यह कहकर श्री जगन्नाथ जी अंतर ध्यान हो गए। सेठ सोचने लगा कि वैसे तो मेरा जो वो सेवक है बड़ा ईमानदार है, उसने 98 रुपये तो चढ़ा दिए, लेकिन 2 रुपये का उसने ऐसा क्या किया, चलो जब आएगा मैं तब पूछ लूँगा। तो कुछ दिन बीतने के बाद जब भक्त वापस गांव आया और सेठ जी के पास पहुंचा, सेठ जी ने कहा, मेरे पैसे जगन्नाथ जी को चढ़ा दिए थे? भक्त ने बोला, हाँ सेठ जी मैंने चढ़ा दिए थे। इस पर सेठ ने कहा, अच्छा तो तुमने मेरे 100 रुपये चढ़ाए या 98 रुपये चढ़ाए?
तब भक्त ने सारी बात बता दी। उसने 98 रुपये संतों को भोजन करा दिया था और ठाकुर जी को केवल 2 रुपये चढ़ाए थे। सेठ जी वैसे तो बहुत खुश हुआ और वह भक्त के चरणों में गिर पड़ा और बोला, आप धन्य हो, आपके वजह से मुझे श्री जगन्नाथ जी के दर्शन यहीं पे बैठे बैठे हो गए हैं। भगवान को हमारे धन की कोई आवश्यकता नहीं होती, भगवान को वह 98 रुपये स्वीकार हैं जो उनके भक्तों की सेवा में खर्च कर दिए गए थे, और उस 2 रुपये की कोई कीमत नहीं थी जो भगवान के चरणों में चढ़ाए गए थे। भक्ति प्रिय माधव, भगवान को सिर्फ भक्ति ही प्रिय है, वह भक्तों के पास होती है, अतः भगवान स्वयं भक्तों की सेवा और भक्ति करते हैं। कोई करे तो अत्यंत प्रसन्न भी होते हैं, इसीलिए जहाँ तक हो सके भक्तों का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए। अगर उन्हें कोई आवश्यकता हो तो अगर आपका सामर्थ्य है तो उसे पूरा भी जरूर करना चाहिए, क्योंकि भक्ति और भक्ति करने वाले भक्तों की सेवा करने से भगवान के पास उनका नाम एक तरीके से रजिस्टर्ड हो जाता है। जो भगवान के भक्तों की सेवा करता है, भगवान के भक्तों की मदद करता है, श्री ठाकुर जी उन्हें पहले दर्शन देते हैं। इस कथा में भी भक्त के मालिक को श्री जगन्नाथ जी ने स्वप्न में पहले ही दर्शन दे दिए, बिना उसके वहाँ पे गए। तो बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। की कृपा से आपका दिन मंगलमय हो। श्री कृष्णम शरणम ममः।